आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी गतिविधियां संचालित करने के लिए नगर मंडल के जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा प्रत्याशी सचिन बिरला, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, कैलाश पंडित सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हुआ। भाजपा प्रत्याशी सचिन बिरला ने समस्त कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवाने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी श्री बिरला द्वारा बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। वहीं बड़वा विधानसभा में भाजपा को 50,000 से अधिक मतों से विजय श्री मिलने की बात कही है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कहा कि उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मान लिया जाएगा। सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तथा मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस दौरान विधानसभा प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश पाल, पूर्व प्रदेश मंत्री ज्योति एवतीकर, महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनीता बंसल, प्रभात उपाध्याय, कमल बिरला, रामचरण कुशवाहा, लाली शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। ऐतिहासिक जीत के साथ यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे और लगभग मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का चेहरा, कार्यकर्ताओं का हाव भाव, उनका परिचय हमें बताता है कि कम से कम 50,000 वोटों से इस बार हम बड़वा विधानसभा से सचिन भाई जीत दर्ज करके जाएंगे। खंडवा जिले की चारों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, उनको भी बनाने का प्रयास पूरा जारी है और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सब संपर्क में है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो संगठन की बात मानेंगे और पार्टी हित में निर्णय करेंगे। सनावाद और बेड़िया कार्यालय के शुभारम्भ के अवसर पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, उससे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से ऐसे जीत कर आएगी। पहले कांग्रेस में था और फिर बीजेपी में आया, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं उस समय लगी हुई थी, लेकिन अब रण की शुरुआत हो गई और जिस तरह से महाभारत में सभी लोग आमने सामने थे, कहीं परिवार के लोग सामने थे, कहीं इधर थे, ऐसे ही आज यहाँ देखने को मिल रहा है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि पूरी ताकत के साथ आप लग जाइए, आपके मान सम्मान की और आपके साथ न्याय हो, इसका काम करना मेरा दायित्व है। सनावत तहसील से नीलेश मालाकार की ये रिपोर्ट।